Hi guys, this is Ali Abbas. Watch my new serial Tum Ho Wajah starting from the 20th of April on Hum TV at 8 PM. It's produced by Momina Dureid and Iram Bintajaid and directed by Saima Wasim, and it's got a great cast and a great story. So do not miss the first episode of Tum Ho Wajah starting from the 20th of April at 8 PM on Hum TV. Assalamu alaikum everyone, this is Ali Abbas. Kuch din pehle mujhe gift mila tha, ek perfume. जैसे मैंने लगाना शुरू किया और सेट्स के ऊपर लोगों ने मुझसे पूछना शुरू कर दिया, मेरे को एक्ट्रेस ने कि कौन सा परफ्यूम वेयर कर रहे हो. बट यू नो व्हाट, अ परफ्यूम इज अ मैन सीक्रेट. आज वो सीक्रेट मैं आप लोगों के सामने रिवील करने वाला हूँ. सेंट्स एंड स्टोरीज का ब्लू डी शनेल, इट्स एन अमेजिंग परफ्यूम. इसकी बहुत सी क्वालिटीज के अंदर एक सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि ये लॉन्ग लास्टिंग है. एक और क्वालिटी ये कि कॉस्ट फ्रेंडली है, और इसकी बॉटल का साइज इतना छोटा है कि आई कैन इवन पुट दिस इन माई पॉकेट. आई वुड. So please, my personal recommendation is get Blue Di Chanel. It is worth it. जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट आदिल शेख फ्रॉम माई यूट्यूब चैनल मैंस नॉटी. जी आज हम जिनकी ड्रेसिंग स्टाइल की बात कर रहे हैं और जिनको आप देखेंगे, उनका नाम है अली अब्बास. ये देखें, आपने पहचान लिया, वो बड़े ही फेमस एक्टर हैं, बड़े ही अच्छे एक्टर हैं. इनकी एक्टिंग भी बड़ी जेन्युइन किस्म की है, बड़ी जेन्युइन. तो इनकी जी हम बात करते हैं. चले जी, इनकी जो बॉर्न है वो 11 फरवरी 1984 में इनकी पैदाइश हुई, जिस लिहाज से इनकी एज 38 है. ऑक्यूपेशन एक्टर है, नेशनलिटी भी पाकिस्तानी है. जो इन्होंने काम किया, जिस वजह से का नोटेबल वर्क, जो मतलब जिस वजह से इनकी एक्टिंग जानी मानी जाती है, वो है किसे चाहूँ, उसके बाद नजरे बद, कहीं दीप चले और दीवानगी. ये इनके ड्रामे हैं जिन्होंने इनको मतलब के नोटेबल वर्ड, जिनको समझा जाता है कि इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया. और इनके फादर आपको पता है, वो भी बड़े फेमस हैं, बड़े अच्छे एक्टर हैं, वसीम अब्बास, बड़े ही ज़बरदस्त एक्टर हैं. ऐसी जेन्युइन एक्टिंग करते हैं कि कमाल, मुद बहुत ही अच्छे एक्टर हैं. फिर उसके बाद इनके क्या कहते हैं, इन्होंने जो ग्रेजुएशन की हुई है वो लॉ में की हुई है, और मतलब के लॉ में वकील हैं इन्होंने जो अपना. और फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने लॉ ऑफिस में काम भी किया, और फिर इन्होंने अपना कैरियर चेंज कर लिया टेलीविज़न में आने का, यानी कि इन्होंने अपनी मूव कर के टेलीविज़न में. फिर वहाँ से चलते चलते फिर अब ये आपके सामने है. और फिर देखें इनकी जो 2014 में लाडो में पली, वो दोबारा, ससुराल मेरा, आए जिंदगी, गुड़िया रानी, दिल इश्क, मैं कामली, किससे चाहूँ, जो मैंने आपको बताया किससे चाहूँ, जो इनका नोटेबल वर्क है. तुम मिले, तुम कौन पिया, मेहर और मेहरबान. फिर उसके बाद मन मर जाए ना, फिर तितली, फिर कितनी गिरें बाकी हैं, फिर नजरे बाद, ये भी मैंने आपको बताया, खाली हाथ. फिर उसके बाद शिकवा नहीं किसी से, फिर उसके बाद लेकिन, फिर उसका बुब्बू की बेटी, बुब्बू की. फिर उसके बाद इसी तरह चलते 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 फिर उसके बाद दीवानगी. ये इनके नोटेबल वर्क्स थे. तो आप मुझे बताइएगा इनकी आपको ड्रेसिंग स्टाइल कैसी लगी, और जिन्होंने कमेंट्स नहीं किया और कमेंट्स करें और पार्टिसिपेट करें, और फर्स्ट सेकंड व्यूवर्स के कॉन्टेस्ट में भी पार्टिसिपेट किया करें, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा. ठीक है, तब तक के लिए आदिल शेख की तरफ से अल्लाह हाफिज़.